कहा कि मैं बचपन में ख्वाब देखा करती थी अक्सर कि मैं नबी सल्लम की जो ऊँटनी है उसको मैं लेके चलती थी, और मैं कहा अच्छा मैं सांपों में खेलती थी। मैंने कहा सांप आपको कुछ नहीं कहते थे? कभी कुछ नहीं कहते थे, कहती क्योंकि कभी मैं खुद जो ना कभी मैं उनको कुछ नहीं कहती थी इसलिए वो मुझे भी कुछ नहीं कहते थे। आप स्टेटमेंट को नोट करें, कहती मैं उनके दरमियान होती थी, शू करके जाती थी, शू करके उनके दरमियान आ जाती थी। मूवमेंट है ना शू। अब मैं अब जो है ना इस चक्कर में आगे केस को जब लेके गया वो बन रही थी स्नेक। केस टेकिंग के दौरान जो मैंने रेपर्टराइजेशन की वो सारी नेक्सस के सिम्टम थे, ठीक है ना। अच्छा नेक्सस आ रही सामने, मुझे पता है ये स्नेक है। अब मुझे ये उस स्नेक की तलाश लग गई जो इस तरह का हो। फिर भी कहती है मैंने जन्नत दोजक देखी। मैंने कहा अच्छा वो उसमें आपने क्या क्या देखा? मैंने कहा जबरदस्त आप तो बहुत नेक खातून है। मैंने कहा उसमें क्या देखा मुझे तो बताया जरा। कहती वो मुझे हुक्म हुआ कि जो तुम्हारे रिलेटिव दोजक में है ना उनको ले जाओ निकाल। कहती मैं ना उनको निकाल के दरख्तों के पत्तों से होते हुए टहनियों पर से होते हुए मैं उनको जन्नत में ले। मैंने कहा गिरी नहीं दरख्तों से? कहती नहीं कोई नहीं गिरी, और मेरे रिश्तेदार भी कोई नहीं गिरे। क्रोटिलस कैस्काविला एक ऐसा स्नेक है जो पूरे कॉयल के साथ शू की आवाज से उड़ जाता है और शू की आवाज के साथ वो वापस आता है ये। और दूसरी बात ये वो सांप है जो नरम शाखों पे भी चलता है इतना भारी होने के बावजूद वो गिरता नहीं। आप जो मरीज की जो मूवमेंट्स हैं हो सकता है अभी आपको इस लेवल में वो समझ ना आए वो मूवमेंट्स, लेकिन लिख लें कि इसने किया क्या। आखिर में एक पिक्चर बनने वाली है कंप्लीट। अभी तो मुसव्वर आंख बना रहा है, आईब्रोज बना रहा है, माथा बना रहा है, पता नहीं किसका बन रहा है, कायदे आजम बन रहा है कि इलामा इकबाल बन रहा है, लेकिन जब पूरी पिक्चर आप आखिर बना लेंगे फिर आपको समझ आएगी कि ये इलामा इकबाल बन गया, ये कायदे आजम बन गया, ठीक है ना। तो फिर है नॉन ह्यूमन स्पेसिफिक वर्ड बोलते हैं, ऐसे वर्ड जो उस जगह पे जिनका कोई तुक नहीं बनता ऐसे वर्ड बोलते हैं। मसलन वो कहता है मेरी पीठ में छुरा घोंपती है, हालांकि ऐसा किसी ने नहीं किया। ये जो वर्ड है ठीक है ना, अच्छा इधर ऐसा लगता है जैसे ना तेज धार छुरी फिर रही है, तेज धार छुरी फिर रही है, यहां छुरी हो ही नहीं सकती। अच्छा ऐसा लगता है यहां से गोला उठा मेरे गले में फंस गया, गोला है ही नहीं इधर। ये सारी चीजों को हम नोट करेंगे और उसको ये उसको पूछेंगे कि गोला कैसा गोला, तेज धार छुरी कैसी, किस तरह की छुरी है इधर, उसके एक्सपीरियंस में जाएंगे तो आपको एक नई दुनिया आपके सामने खोलेगा, सेंसेशन की दुनिया खोलेगा। और फिर ऑब्ड्यूरेट वर्ड, ऑब्ड्यूरेट वर्ड वो वर्ड होते हैं जो चेंज नहीं होते, चेंज नहीं होते। मतलब आप उसको पूछेंगे टाइट का मतलब क्या है, अगर उसने टाइट का मतलब क्या है, टाइट जैसे जी जो है ना वो किसी चीज को खींचा होता है, कैसे खींचा होता है, जैसे आप स्प्रिंग नहीं खोल देते ऐसे खेचा होता। अभी जो भी इसने बातें की वो टाइट वाली ही थी, टाइट उसका ऑब्ड्यूरेट वर्ड, ऑब्ड्यूरेट वर्ड को निशान लगा क्योंकि ये वो फुट स्टेप है जो आपको सेंसेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। सारे सेंसेशन है, कहते हैं सेंसेशन किसको कहते हैं, सेंसेशन वो है जो एम एन ओ पी क्यू आर एस वर्ड है, वो सेंसेशन है। अब ये P for picturize, आपको मरीज कुछ चीजें जब आप उसके एक्सपीरियंस में जाते हैं वो पिक्चराइज करता है। आप कहते हैं ये जो एंकल जॉइंट का एक्जिमा था उसमें मरीज का कसाव है, जकड़ाव है, आप पूछते हैं कैसा जकड़ाव, कैसा कसाव है, कहते हैं डॉक्टर साहब देखें जैसे आपके ना, जैसे जब कहेगा तो आपको इमेज दे रहा है, जब वर्ड बोलेगा जैसे मीन्स आपको पिक्चराइज कर रहा है वो, कहते जैसे आपके किसी ने जोर से पट्टी नहीं बांधी होती ऐसे, इसने पिक्चराइज किया, इमेज दिया,
तो आप इसको भी नोट कर, ठीक है ना। हो सकता है ये किसी सोर्स का लैंग्वेज, जोर से टाइट करके बांध दिए, टाइट करके बांध दिए। तो ये एक जो ना वो केस था सर राजन सिंह का, वो कहते हैं कि जब मैंने इस टाइटनेस को जब आगे जाके मैंने देखा तो वो ब्लैक मांबा बन गया। ब्लैक मांबा क्या करता है कि वो लिपट जाता है अपने शिकार के और उसको खींचता है, उसको टाइट कर देते हैं, तो सांस बंद कर देते। ये सवाल होता है सेंसेशन क्या होते हैं, ये कोई ये मुश्किल बात कोई नहीं है। ये MNOP की और एस तमाम सेंसेशन है। इस तरह के वर्ड आएंगे वो नोट करेंगे, इसके अलावा जो वर्ड आएंगे उसको इग्नोर कर देंगे आप। अच्छा, फिर जो है QE, स्ट्रेंज सिम्टम्स। स्ट्रेंज ऐसी हरकत जो मरीज की स्ट्रेंज हो, या ऐसा वर्ड जो स्ट्रेंज हो, जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो। मैं आपको बताऊं जो वर्ड स्ट्रेंज होता है, जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होता है, वो हमेशा ही सोर्स को रिप्रेजेंट करता है। डॉक्टर साहब ने पूछा एक मरीजा को, आपको किस चीज से ज्यादा फियर है? वो कहते मुझे छिपकली से ज्यादा फियर है। तो उन्होंने पूछा छिपकली में किस चीज से आपको ज्यादा डर लगता है? वो कहती है कि मुझे ना उसे गिन आती है। कहते किस चीज से गिन आती है? कहते स्टिक्की होती है ना। अब छिपकली स्टिक्की होती कोई नहीं, होती नहीं होती ना स्टिकी, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात है। तो सर कहते हैं जब इनका मैंने केस आगे दिया तो सिम्टम दिए तो वो ड्रोसेरा थी। वो ड्रोसेरा का जो प्लांट होता है वो एक स्टिकी मवाद सेक्रेट करता है ताकि उस पर आकर के हुशरान वगैरह बैठें और वो उसको कैप्चर कर लें। वो स्टिकी जो था वो अपने सोर्स की लैंग्वेज बोल रहा था। और कभी नहीं होता कि सोर्स लैंग्वेज ना बोले। मैं आपको बताऊं कभी हो नहीं सकता कि कैप्सिकम मिर्च का शौकीन ना हो, हरी मिर्च का, वो इतनी लंबी मिर्च उठा के खा लेगा। अच्छा, या कैप्सिकम का मरीज जिसको हो ही नहीं सकता कि उसको मिर्च से तकलीफ नहीं होती, उलट भी हो सकता है, या वो उसका बहुत ज्यादा शौकीन है या उससे उसको तकलीफ होती है। तो देखें, हमने अब जो बैक्टीरिया मेडिका को समझना है वो डीपर सेंस में समझना है, पेशेंट को भी हमने डीपर सेंस में समझना है। अभी भी आपको इसके ऊपर कोई कंफ्यूजन आए तो आप बेशक अपने ग्रुप में मुझसे सवाल कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि जब इसको आप घर में जाके पढ़ेंगे, इसको मीडियो पे अप्लाई करेंगे तो बेशुमार क्वेश्चन पैदा होने चाहिए। तो वो क्वेश्चन करें और इसको क्लियर करें और फिर इन तमाम चीजों जो आपने यहाँ पर डेटा ले लिया है उसका काज ढूंढने की कोशिश करें। काज सबब क्या हो सकता है? पहले भी हम काज ढूंढते थे लेकिन बाकी चीजों के साथ साथ अब आपने काज भी देखना, क्योंकि ये सारी इन्वेस्टिगेशन है कि आपको कहीं से कोई क्लू मिल जाए, कहीं से कोई क्लू मिल जाए। अब यहां पर आपका काम है कि मरीज को आपने थर्ड लेवल में शिफ्ट करना, आपने करने हैं मूविंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आपके सेम होते हैं सब डॉक्टर्स के, मूविंग क्वेश्चन ही करेंगे ना। तो मूव करने के हम कर रहे हैं हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, जो भी सूरत हाल है इसमें आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, या हाउ डज दिस अफेक्ट यू, ये जो तकलीफ है आपकी जिंदगी को आपको किस तरह से मुतासर कर, इससे क्या चीजें आपकी सफर हो रही। तो हो सकता है ये कहे डॉक्टर साहब देखे ना ये मेरे घुटने में दर्द है ना, इसकी वजह से मैं काम नहीं कर सकता, ठीक है मैं ऑफिस नहीं जा सकता, मतलब वो सारे काम को कह रहे हैं जो मैं एक्टिविटीज नहीं कर सकता, वर्क नहीं कर सकता। तो यहाँ से आपको एक क्लू मिलता है कि ये आने वाले चंद लेवल्स में शायद जो है ये मिनरल हो, ठीक है। या ये कह सकता है डॉक्टर साहब देखे ना मैं एसी के नीचे नहीं बैठ सकता, मुझे ठंड लगती है, मैं जरा ये काम करूँ तो ये मसला, मतलब मैं फला जगह जाऊँ तो ये मसला रहता है। वो अपनी सेंसिटिविटी शो करना शुरू कर देता है, मैं चावल खा लूँ तो इसमें दर्द शुरू हो जाती है, वो सेंसिटिविटी प्लांट की शो कर। तो आपको यहाँ पर
इंफॉर्मेशन लेने के बाद कुछ ना कुछ समझ आने लग जाती है कि पेशेंट किस तरफ जाना चाहता है, ठीक है। और उसके बाद अगर इसी लेवल के ऊपर आप दवाई देते हैं, इसी लेवल के ऊपर आपका पेशेंट आगे नहीं चलता, सिम्टम के ऊपर आपने केस कर दिया, रेपर्टराइज करके केस कर दिया, मोडलिटीज थी, कंकॉम्पिटेंट थे, सब कुछ मिल गया आपको, सिम्टम्स मिल गए, तो आपने जो दवाई देनी है वो 30C में दें या LM3 में दें या LM4 में। अच्छा, ऐसे पोटेंसी दे के देखें, ऐसे पोटेंसी दे के देखें। हाँ, 83 एपोलिज्म में एक लाइन, छोटा सा वर्ड लिखा हनीमन ने, कहा इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। इस पे मैं बड़ा गौर करता रहा। अच्छा, और मुझे खुश नसीबी से जो उस्ताद मेरे फिलॉसफी पर, मुझे सर LM खान ने बहुत गाइड किया। मैं यहाँ से फ़ोन करता था, उनसे फिलॉसफी सीखता था, तो ये मुझे पता चला उनको पढ़ने के बाद, उनको उनसे पढ़ने के बाद, कि इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये नहीं है कि आप मरीज़ का इनफरादी मुआयना करें, इसलिए कि आपने उसकी दवाई सेलेक्ट करनी है सिमिलिमम, नहीं। इनफरादी मुआयना सिमिलिमम दवा की सिलेक्शन के लिए भी है, इनफरादी मुआयना मरीज की पोटेंसी सिलेक्शन के लिए भी है, इनफरादी मुआयना मरीज की रिपीटिशन के लिए भी है, इनफरादी मुआयना मरीज की जो है वो जो मतलब दवाओं को रिपीट करना, वक्फा कितना देना है, इसके लिए भी है। ये तीन चार चीज़ें मतलब जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अब हम ये दवा तो दे देते हैं, पोटेंसी सही सिलेक्ट नहीं होती, वो के पोटेंसी अगर ना भी सही हो तो कुछ ना कुछ फर्क जरूर करती है, लेकिन मरीज एग्जैक्टली कब, मेरे पास तो ऐसा नहीं हो रहा कि मैंने गलत पोटेंसी सिलेक्ट की हो और मिस ठीक हो गया। मैं ये कहता हूँ कि एग्जैक्ट मेडिसन सिलेक्शन ऑफ द मेडिसन प्रॉपर होना चाहिए, रिपीटिशन उसका प्रॉपर होना चाहिए, पोटेंसी उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। जब ये आप तीन चार चीज़ों उनको दोहराने का वक्फा प्रॉपर होना चाहिए, इस पेशेंट के अंदर पोटेंसी और होगी, रिपीटिशन के वक्फे और होंगे, डोज और होगी, इनके अंदर डोज अलग होगी, पोटेंसी मुख्तलिफ होगी, रिपीटिशन के वक्फे और होंगे, मतलब ये दवा ही वैरी नहीं करती, बाकी लवाजमात जो है, जब आप इन तीन चार चीज़ों को वेल सेंक्रोनाइज करते हैं तो आपका जो निशाना है वो बड़ा पिन पॉइंट होता है, वो टारगेटेड होता है। वो कहते हैं ना, मैंने एक पूरी दी थी, मैं हैरान हो गया, वो तो मतलब डॉक्टर हैरान हो जाते हैं यार, शाम को मरीज ने फोन किया मैं ठीक हो गया। वो क्या था, वो ये था कि आपने जो निशाना लगाया वो बहुत वेल सिंक्रोनाइज था, उसके तमाम लवाजमात जो थे वो बिल्कुल एक्यूरेट पूरे थे। बड़ा गहरा वर्ड है, इस वर्ड के ऊपर आप मजमून लिख सकते हैं, इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन और प्रिपरेशन, ठीक है ना। तो खैर, मौका मिला इन सारी चीजें पढ़ेंगे। अच्छा, फिर आता है, मैंने ये किया इसमें कि आपको थोड़ा सा सेव करने के लिए, मज़ीद आपको सॉलिड डाटा देने के लिए, मैंने इस लेवल को दो स्टेजों में तकसीम कर दिया। जो आपने पहले लेवल टू की इंफॉर्मेशन सुनी है ना, मैंने उसको सेंट्रल कर दिया, इसको मैंने पेरिफेरल कर दिया। मैं ये चाहता हूँ कि माइन्यूट डिटेल भी पीछे ना रह जाए।